दोस्तों, व्हाइट शीट कितनी बढ़िया दिख रही है और व्हाइट शीट का कुछ लुक ही और होता है और इसका फिनिशिंग कुछ और है। आप देख सकते हो शीट बहुत ही बढ़िया लग रही है। ये सारी टाइल्स की हमने सीढ़ी बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बंगला है, इतनी सारी महंगी महंगी चीज है और इसमें ये व्हाइट टेरेस पर लगने वाली टाइल्स क्यों लगाई है। आप भी सोच रही है, इसके पीछे हमारा एक जादू है। हम एक जुगाड़ खेलने वाले, इसमें एक मैजिक है। ये सीढ़ी जो दिखती है वो है नहीं और जो ये सीढ़ी है वो दिखती नहीं, तो हम इसमें क्या जादू करने वाले हैं। तो मेरा दूसरा वीडियो कुछ दिनों के बाद आएगा, उसमें ये सीढ़ी का वो सस्पेंस खुलेगा। तो ये सीढ़ी में एक सस्पेंस है, तो वो सस्पेंस देखना है, तो उसके लिए इंतजार करो मेरे दूसरे वीडियो का। हम इसको फॉरेन स्टाइल में यानी कि देसी स्टाइल में इस सीढ़ी को बनाने वाले हैं, इसमें कुछ जादू करने वाले हैं। ये तो सिर्फ हमने एक वाइट लेयर ही लिया है, इसके बाद इसके ऊपर जो काम होगा वो काम होने के बाद सीढ़ी जो दिखेगी वो देखना है। तो मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखो और आपने मेरी चैनल लाइक नहीं किया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जरूरी करो दोस्तों। यहाँ पर भी हमने देखो लेयर नहीं मिलाया है, कुछ डाउन रखा है। सीढ़ी लगाने के लिए सबसे पहले हमें लेवल निकालना है। लेवल निकालने के बाद जो लेवल आता है उसके टप्पे गिन लेने हैं। टप्पे गिनने के बाद उसमें भगा कर करना है और जो भी आता है उस हिसाब से हमारा टप्पा होगा। उसमें से हमें टप्पे की थिकनेस बात करके लाइजर काटने होते हैं। लाइजर काटने के बाद कुछ इस प्रकार से सीमेंट लेके इसको लगाना है। स्टेप बाई स्टेप और सीढ़ी को एकदम लेवल में ही लगाना है। पहले के ज़माने में लोग ढाल दे के लगाते थे, लेकिन सीढ़ी में कोई ढाल की ज़रूरत नहीं होती है। घर के अंदर सीढ़ी होती है, सिर्फ पोछा लगाना होता है, जब पानी से धोना नहीं होता है। तो इसमें ढाल देना चाहिए, ढाल लगी हुई सीढ़ी बिल्कुल बेकार सी दिखती है। तो इसमें ढाल बिल्कुल ही ना दो, लेवल में ही लगाओ तो आपका लेवल भी सही रहेगा, एक माप के टप्पे की बन जाएंगे। तो ये सब चेक कर लेने के बाद इस प्रकार से सीढ़ी बैठती है और लाइजर काटने से लेके कैसे बैठती है वो सब डिटेल्स मेरे पूरे वीडियो में है। तो मेरा पूरा वीडियो जरूर देखो, कुछ ना कुछ तो जरूर नया होगा इसके अंदर। ध्यान से देखो, आप अगर ज्वेलरी है तो हीरो को पहचानना आपका काम है। इसके अंदर कोई ना कोई कोइन और हीरा छुपा हुआ है, तो ढूंढना आपका काम है। तो ढूंढ लो अपने आप अपना कोइन। ओके दोस्तों। Oh,
Thank you.